आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी झटपट से बन जाने वाले मॉनसून स्पेशल अनियन बोंडा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी होते हैं, और ये है एक मॉनसून स्पेशल रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अनियन बोंडा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक झटपट से बन जाने वाली मूंगफली की चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कप रोस्टेड मूंगफली के छिलके को अच्छी तरीके से निकाल लिया है, और ये है हमारी बिना छिलके की मूंगफली। इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ग्रेट करा हुआ जिंजर और एक रफली चॉप्ड ग्रीन चिली, और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो बस अब हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच नींबू का रस और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम करके उसके ऊपर रखेंगे एक तड़का पैन। उसमें डालेंगे दो चम्मच ऑयल और उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई, एक चम्मच कड़ी पत्ते, और फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम इस तड़के को अपनी मूंगफली की चटनी में डाल देंगे, और यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी झटपट से बन जाने वाली मूंगफली की चटनी रेडी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपने मॉनसून स्पेशल अनियन बोंडा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्राइंडिंग जार में दो आलूओं को, मींस कच्चे दो आलूओं को रफली चॉप्ड कर लेंगे, और उसमें डालेंगे दो चम्मच पानी और उसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं हम इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, वरना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इस अपने आलू के पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और बाउल में आलू का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश दही। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चौथाई कप ब्रेड क्रम्स की जगह आप पोहे का पाउडर, चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच मैदा, और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें लगभग दो से तीन चम्मच पानी, और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और लगभग एक चौथाई कप बारीक कटे हुए फ्रेश धनिया पत्ते, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच खाना सोडा, और सोडा ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें अपनी बैटर की चाहिए। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक कप लंबी स्लाइसेस में कटी हुई प्याज, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मीन्स हम अपने घोल को प्याज में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच गरम तेल। तो जिस ऑयल को हमने अपने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए गरम करा था, उसी ऑयल में से हमने यहाँ पर अपने इस बैटर में दो चम्मच गरम ऑयल डाल दिया है। तो बस एक बार विस्कर की मदद से दोबारा हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे,
और दूसरी साइड हमने अपने ऑयल को भी गर्म कर लिया। और जब हमारा बैटर हल्का सा ठंडा हो गया तो बस अब हम इस बैटर में से लेते जाएंगे दो 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 चम्मच बैटर और उसे डायरेक्ट अपने गर्म ऑयल में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने चार पकौड़े डाल लिए हैं, तो बस अब हम इन्हें उलटते पुलटते अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अपने अनियन बोंडा को फ्राई करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और आप लोग देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे मॉनसून स्पेशल झटपट से बन जाने वाले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अनियन बोंडा बन करके रेडी हो गए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये मॉनसून स्पेशल रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मिले हमारी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।